हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग एरो फंक्शन के बारे में जानेंगे। एन एरो फंक्शन एक्सप्रेशन प्रीवियसली एंड नाउ इनकरेक्टली नोन एज फैट एरो फंक्शन हैज अ शॉर्टर सिंटेक्स कंपेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशन। एरो फंक्शंस आर ऑलवेज एनोनिमस। सो दो तीन चीज़ें इस डेफिनेशन से हमें पता चलती है। पहला तो ये कि एरो फंक्शन कंपेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशन छोटा होता है सिंटेक्स वाइज। एरो फंक्शन हमेशा एनोनिमस होगा, यानी कि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा। और सबसे अंतिम का जो पॉइंट है वह यह है कि इसको पहले फैट एरो फंक्शन कहा जाता था मे बी, लेकिन अब इसको सिर्फ एरो फंक्शन कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको फैट एरो फंक्शन कहते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। फैट एरो फंक्शन क्यों लोग इसको कहते हैं, इसका भी एक रीज़न है, लेकिन ऑफिशियल रीज़न नहीं है ये, क्योंकि ऑफिशियल नाम ही नहीं है इसका। सिंपली इसको आपको जानना है एक एरो फंक्शन के तौर पर। इसको फैट एरो फंक्शन आपको नहीं कहना है, चाहे आप कहीं भी इसको सुनते हैं। फिर भी इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सिंटेक्स आप लिखते हैं इस तरीके से, पैरेंथेसिस देना है, देन ये एरो आपको लिखना है। ये एरो आपको कहीं कीबोर्ड में मिलेगा नहीं, बल्कि ये दो की का कॉम्बिनेशन है, इक्वल साइन और एंगल ब्रैकेट। इससे बनता है आपका ये फैट एरो, इसीलिए लोग इसको फैट एरो फंक्शन कहते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट है। सो सिंटेक्स इसका इस तरीके से पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद आपको लिखना है फैट एरो, देन कर्ली ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके बीच में आप अपना स्टेटमेंट या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इसको अगर आप कंपेयर करें फंक्शन एक्सप्रेशन से तो आपको छोटा दिखेगा। जैसे कि फंक्शन एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा वार माय फन फंक्शन कीवर्ड फंक्शन का नाम सो और कर्ली ब्रैकेट सॉरी पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ओपन और इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा है फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसी कोड को आप अगर एरो फंक्शन में लिखते हैं तो आपको एक लाइन में बस इतने में आपको लिखना है, एकदम बेसिक। आप इसको यहां से हटा के यहां लिख सकते हैं, मगर फिर भी देखा जाए तो कंपेयर टू दिस अभी भी ये छोटा है। यानी कि आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना नहीं पड़ता है, ये वाला कीवर्ड यहाँ आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, आपको फंक्शन का नाम लिखना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू करते हैं पैरेंथेसिस, देन आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इतना लिखते हैं आप। सो ये होता है आपका एरो फंक्शन। चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं और कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे वहीं। मैंने यहाँ दो फंक्शन लिखा हुआ है, एक पहला तो हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है जो कि माई फन वन फंक्शन कीवर्ड सो इस फंक्शन का नाम है, देन स्टेटमेंट। एक एनोनिमस फंक्शन लिखा है मैंने, जिसमें हम लोगों ने फंक्शन लिखा है, एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है, तो कोई नाम नहीं है, और वही स्टेटमेंट है इस फंक्शन का। ये इसका जो वेरिएबल है वो मैंने दिया हुआ है फन टू। एक्चुअली में ये फंक्शन का इस एक्सप्रेशन को हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं, इस एनोनिमस फंक्शन को हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं। सो इसके थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हैं, इसके थ्रू आप इस एनोनिमस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, इतना हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ये दोनों बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ। अब ये और ये सेम है, इतना तो हम लोग जानते हैं, जो काम ये आपका करेगा वही काम आपका ये भी करेगा। अब हमारे पास इससे भी एक छोटा सिंटेक्स आ गया है एरो फंक्शन के तौर पर, जो कि इन दोनों के सिमिलर काम करेगा। सो उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। एरो फंक्शन, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एरो फंक्शन, और उसको कैसे लिखते हैं, वही है सेम वार लिखना है माई फन, इसको हम लोग माई फन ही रहने देते हैं, इक्वल। यहाँ अपना तो फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और ना ही फंक्शन का नाम लिखते हैं, आप सीधा इसमें पैरेंथेसिस लिखते हैं, देन यहाँ आप लिखते हैं फैट एरो, मैंने इक्वल साइन लिखा, देन एंगल ब्रैकेट, ये हमारा फैट एरो बन गया। ओके, उसके बाद कर्ली ओपन, यहाँ आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखिए, आप चाहें तो यहीं लिख सकते हैं, या फिर आप एक न्यू लाइन देकर यहाँ भी लिख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और इसको नीचे यहाँ से कर्ली क्लोज और ये सेमी कॉलन, इस तरीके से। सो अब देखेंगे कंपेयर टू फंक्शन एक्सप्रेशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन, ये जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यही आपका एरो फंक्शन और काम बिल्कुल सेम करेगा, मतलब जो आउटपुट आपको उससे मिलेगा वही आउटपुट आपको इस चीज़ से भी मिलेगा, और कॉल करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। इसको यूज़ करना है कॉल करने के लिए माई फन, इसको लिखिए पैरेंथेसिस दीजिए, देन इसको सेमी कॉलन देना, इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, सेव करते हैं। देखिए मैंने इस माई फन वन को कॉल नहीं किया, माई फन टू को कॉल नहीं किया, मैं सिर्फ इसको कॉल कर रहा हूँ, बिकॉज हमें इसी से लेना देना। अब इसको ऊपर वाले को हटा देते हैं यहाँ से, बस कंपेयर करने के लिए मैंने वो दोनों सबको साथ में लिखा था कि आपको पता चले
कि सभी में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। इसको सेव कर लिया मैंने, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं और आप देखेंगे यहाँ आपको आउटपुट दिखेगा geckiesos। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आप एरो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कॉल नहीं कर सकते, यानी कि आप अगर इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखकर अगर कॉल करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने इसको सेव किया और मैं इसको रन करूँ, तो ये रन नहीं होगा, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर इसका इसके डेवलपर टूल में आप जाकर देखिएगा, मोर टूल्स, यहाँ से डेवलपर टूल्स कॉन्सोल, तो यहाँ आपको एक एरर मिलेगा, माई फन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो आप डिफाइन करने से पहले इसको कॉल नहीं कर सकते। इस पैरेंथेसिस और इस एरो के बीच में आप स्पेस चाहे जितना दे दीजिए, लेकिन लाइन ब्रेक आप नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से इंटर की प्रेस करते हैं और इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, सेव करते हैं इसको, इसको नीचे कॉल कर लेते हैं, यहाँ कॉल कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको अगर आप रिफ्रेश करें, यहीं हमारा कोड होगा, इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये वाला फैट एरो। तो इस तरीके से भी आप नहीं कर सकते हैं। आप इसको आपको इसको साथ में ही इस सेम लाइन में यहाँ पर लिखना है, यानी कि पैरेंथेसिस और इसके बीच में लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए। आप स्पेस चाहे जितना दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सेव करें और इसको अभी आप अगर रन करते हैं, तो ये आपका सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा और आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा, कोई भी एरर दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप इंटर प्रेस करेंगे, लाइन ब्रेक कर देते हैं, तो ये एरर आपको देगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तब। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट एरो फंक्शन विथ पैरामीटर का। सो एरो फंक्शन विथ पैरामीटर, मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ एरो फंक्शन का, इसे अलग अलग बनाया जा सकता था, बट इसी वीडियो में थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। ओके, सो एरो फंक्शन विथ पैरामीटर मैंने लिखा, यहाँ हम लोगों ने कोई पैरामीटर अभी तक नहीं देखा, जैसे कि यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। मैं एक पैरामीटर लिख रहा हूँ, सिर्फ एक, मैंने ए लिखा, ठीक है, और ए में जो भी पास होगा वो डिस्प्ले होकर आपको यहाँ दिखाई देगा, तो मैंने ऐसा करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन है, इस पे यहाँ पर आप जो पैरेंथेसिस है इसके बीच में आप पैरामीटर लिख सकते हैं। एक पैरामीटर मैंने लिखा हुआ फिलहाल के लिए और उसको हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया है, और चूंकि हम लोग इसको यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो हमें इस कॉल फंक यहाँ जो कॉल हो रहा है, इसका फर्ज बनता है कि ये इस पैरामीटर के लिए एक आर्ग्यूमेंट पास करें, तो मैं इसको पास कर देता हूँ 10। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको आप रिफ्रेश कीजिए, आपको यहाँ 10 दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल सही है और सही तरीके से हमारा काम कर रहा है। जब एक पैरामीटर होता है, जब आप एक पैरामीटर यहाँ लिखते हैं, तो ये पैरेंथेसिस देना जरूरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप चाहें तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ये आपका सही तरीके से काम करेगा। इसको सेव करें और इसको फिर से रिफ्रेश करें, तो ये आपका सही तरीके से काम करेगा, कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। यानी कि एक पैरामीटर जब भी हो, तो उस वक्त इसके बीच में जो इसके साथ जो पैरेंथेसिस होता है वो ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका सही तरीके से काम करता है। एक से ज़्यादा पैरामीटर हो तब आपको पैरेंथेसिस यहाँ देना पड़ेगा, जैसे कि मैं ए बी लिख रहा हूँ, तो इस केस में मुझे यहाँ पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही। उसके बाद यहाँ हम लोग दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, एक थोड़ा सा स्पेस देते हैं, प्लस और बी, यहाँ से दो पैरामीटर में दो आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, 10 और 20 में पास कर देता हूँ। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, तो दो हमें दिखाई दे रहा है। इसको मोर टूल्स डेवलपर टूल्स में जाकर देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, सो ध्यान रखना है कि एक पैरामीटर अगर आप पास करते हैं, एरो फंक्शन विथ वन पैरामीटर पैरेंथेसिस ऑप्शनल होता है, लेकिन एक से अधिक पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड होता है, यानी कि आपको पैरेंथेसिस देना ही पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, मान लीजिए इसको सेव करते हैं और इसको रन करेंगे, तो आपको मिल जाएगा एरर। ओके, अगर कोई भी पैरामीटर नहीं है, हम लोगों ने एक पैरामीटर देखा, दो पैरामीटर देखा, एक से अधिक देखा, अगर कोई पैरामीटर नहीं है, तो उस केस में आपको सिर्फ पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा, ब्लैंक, यहाँ आप छोड़ नहीं सकते, आपको ये ब्लैंक पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा और इसको बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ कोई भी पैरामीटर नहीं है। इस केस में आप इसको हटा दें और यहाँ से आपका कोई भी एक स्ट्रिंग दिख सकता है आपको, जो कि हम लोग शुरू से देख रहे हैं। सेव कर दें और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, सो कंक्लूड करता हूँ मैं इस पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को। इसमें अगर एक पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, आप दे या ना दे आपका कोड सही तरीके से काम करेगा।
अगर एक से अधिक पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस देना जरूरी है, अगर कोई भी पैरामीटर नहीं है तो पैरेंथेसिस देना जरूरी है। हालांकि पैरेंथेसिस के बीच में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन ये पैरेंथेसिस देना जरूरी होता है जब भी आपका कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई पैरामीटर नहीं होता है तब। अब देखिए कि एरो फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर और रेस्ट पैरामीटर कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डिफॉल्ट पैरामीटर देखेंगे, तो हम लोग डिफॉल्ट पैरामीटर के लिए मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ ए एक पैरामीटर दिया और बी जिसका हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे दे रहे हैं 20, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं इस पैरेंथेसिस के बीच में, क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आप इसको पास कर दीजिए, इन दोनों को मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ, ए प्लस स्पेस दे देते हैं बीच में और प्लस बी। अगर यहाँ से आप दो आर्गूमेंट पास करते हैं, मान लीजिए मैंने 10 और 20 किया, इसको सेव करें और इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको 10 और 20 यहाँ दिखाई देगा। अगर आप सिर्फ एक आर्गूमेंट पास करेंगे तो एक पहला वाला जो आर्गूमेंट है ये 10, ये ए के पास चला जाएगा और बी के पास जो 20 डिफॉल्ट है वो आपको दिखाई देगा। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं 10 और 20, ठीक है। अगर इसमें मैंने 20 दिखा दिया आप लोगों को, एक्चुअली में 40 दिखाना चाहिए, 10 और 40 अगर देते हैं तो 10 ए के पास चला जाएगा और बी के पास ये जो वैल्यू इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी और ये असाइन हो, यानी कि 10 और 40 आपको दिखाई देगा। ओके 10 और 40, और एक पास करेंगे तो 10 और 20 इसका बी का डिफॉल्ट वैल्यू। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके ये डिफॉल्ट एरो फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर हुआ। अभी एरो फंक्शन विद रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि ए लिखा मैंने, ये एक जनरल हमारा पैरामीटर है, और रेस्ट पैरामीटर के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 डॉट्स देन कोई भी यहाँ नाम, तो हम लोग यहाँ ए आर जी एस लिख देते हैं, कोई भी नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ये सारे डिस्कशन हम लोगों ने रेस्ट पैरामीटर वाले टॉपिक में ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद पहला जो वैल्यू होगा वो ए के पास चला जाएगा और रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो होगा वो रेस्ट पैरामीटर के पास चला जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग अगर 20, 40, 50, 70 कुछ भी लिखे, चाहे जितनी मर्जी लिख दें, ये पहला जो है ए के पास जाएगा और जो रेस्ट होगा वो चला जाएगा इसके पास। तो इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, यहाँ से ए आर जी एस लिख देते हैं। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए 10 ए से आया है और बाकी सब जो रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट आर्ग्यूमेंट का, रेस्ट ए आर जी एस का। तो ये हमारा हो गया एरो फंक्शन विद डिफॉल्ट और एरो फंक्शन विद रेस्ट पैरामीटर। अब कुछ और बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तब। यहाँ से हम लोग कुछ नहीं हटाते, क्यों हटाएंगे बेकार में, इसको सिर्फ हटा देते हैं, हमें ये नहीं देखना है, इसको भी हटा देते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जनरल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का कोई नाम नहीं है, या फिर आप नाम रख भी सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद। ये हमारा एरो फंक्शन है वार माइफन, यहाँ मैंने ए लिखा हुआ, यहाँ पैरेंथेसिस देना ज़रूरी नहीं है, तो मैं एक पैरामीटर हमारा तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से सिर्फ हमें ए पास करना है एक ही आर्ग्यूमेंट, और यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। कोड सब कुछ सेम है, मैंने वार माइफन ए एक पैरामीटर है इसीलिए पैरेंथेसिस नहीं दिया है, देन ओपनिंग कर ली, क्लोजिंग कर ली, और इसके बीच में हम लोग ए को सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे हैं, और यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं 10 इस पैरामीटर के लिए। इसको अगर अभी आप सेव करते हैं, सेव करके अगर आप इसको रन करें, मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आपको स्क्रीन पर 10 दिखाई देता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जो ये कर्ली है इसको आप हटा सकते हैं, इसको हटा दिया यहाँ से मैंने और इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, इसको सबको एक लाइन में कर देते हैं इस तरीके से, इसको सेव करते हैं और इसको आप अगर अभी रिफ्रेश करते हैं तो आपका ये सही तरीके से काम करेगा और आपको सही आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर कर्ली जो ब्रैकेट हैं ये भी ऑप्शनल है, लेकिन तब जब आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर आप डबल स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कि एक से अधिक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस केस में आपको कर्ली देना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ एक और स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ गिकी सोर्स। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, और अब देखेंगे आपको गिकी सोर्स और 10 दिखाई देता है। एक न्यू लाइन अगर यहाँ दे दें तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद ये समझ में आए। लाइन ब्रेक दे दिया है मैंने, इसको मैंने सेव किया, देन हम लोग इसको रिफ्रेस करते हैं। देखिए पहले आपको गीकी सोर्स दिखाई दे रहा है, देन 10, एक्चुअली में मैंने यहाँ लाइन ब्रेक ये सोच कर दिया था कि पहले हमारा ये स्टेटमेंट रन होगा। देखिए जब फंक्शन रन होता है, जब ये कॉल हुआ तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो होना ये चाहिए कि पहले ये स्टेटमेंट रन होता
और आपको स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए 10, देन लाइन ब्रेक होता और उसके नीचे ये रन होता और आपको गिकी सोस दिखाई देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ये कि ये रन हुआ, ये रन हुआ, ये रन हुआ, आपको गिकी सोस दिखाई दे दिया। फिर ये जब फंक्शन कॉल हुआ तब ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और ये सिर्फ इसके एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट करता है। वाई? बिकॉज अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना है एक फंक्शन के अंदर, तब आपको ओपनिंग करली और क्लोजिंग करली के अंदर उसको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये हो जाता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जब भी आप लिखते हैं तो आपको ओपनिंग करली और क्लोजिंग करली के बीच में लिखना है। सो अभी अगर इसको हम लोग सेव करें तो अभी हमारा जो है सीक्वेंस है आउटपुट का, वो सही आएगा। यानी कि पहले हमारा ये कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ जाएगा, देन ये पहले एग्जीक्यूट होगा तो आपको 10 दिखाई देना चाहिए था, देन लाइन ब्रेक होगा, देन उसके नीचे आपको गीकी सोस दिखाई देगा। यानी कि जस्ट अभी जो आउटपुट आया उसके अपोजिट। इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे 10 आएगा, देन गीकी सोस। सो यहाँ कन्फ्यूज़न ये होता है कि बच्चे समझ लेते हैं कि इसको लिखना ज़रूरी नहीं है और इसको इस तरीके से रन करते हैं। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि आपका जो सीक्वेंस है आउटपुट का वो बिगड़ जाता है, यानी कि उल्टा आता है, या फिर जैसा आपने सोच कर लिखा वैसा नहीं आता, लेकिन आपको कोई एरर भी नहीं मिलता। तो उस वक्त कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे हमारा जो कोड है उसमें गलती क्या है। इसमें गलती ये होती है कि जब भी आप दो स्टेटमेंट लिखते हैं तो सिंपली आप उसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो हो जाता है, और उसको आपको ओपनिंग कर ली और क्लोजिंग कर ली के बीच में आपको लिखना है, बीच में आपको लिखना है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा इन सब बातों का, सेव करें इसको। मैंने थोड़ा सा और बेहतर इसको बना दिया, इसको थोड़ा सा और इस तरीके से इंडेंट कर दें, रीडेबल ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से लिखने से। इसको रिफ्रेश करें तो आपको सही आउटपुट मिलेगा और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि अगर एक स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो करली ओपनिंग क्लोजिंग लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो उन दोनों स्टेटमेंट को ओपनिंग करली और क्लोजिंग करली से इनक्लोज करना आपको पड़ेगा। अब जरा इस कोड को देखिए, मैंने थोड़ा सा कोड लिख दिया है इस समय बचाने के लिए। ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं, जैसे माई फन वन लिखा, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम ए एक पैरामीटर है और रिटर्न करवा रहे हैं हम लोग ए। एनोनिमस फंक्शन में आपको आप सेम कोड को इस तरीके से लिखेंगे, फन टू लिखा, फंक्शन कीवर्ड फंक्शन का कोई नाम नहीं है, बी पैरामीटर लिखा हुआ है, बी रिटर्न करवा रहे हैं, सेम कोड है। बस ये हमारा एनोनिमस फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। इसी कोड को अगर आप एरो में लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं वार, मैं इस फंक्शन का नाम सिर्फ माई फन रहने देता हूँ, ताकि फंक्शन का नाम मतलब वेरिएबल, ये फंक्शन का नाम नहीं है एक्चुअली में, ये वेरिएबल है जिस पर असाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल अलग अलग लिख देता हूँ। देन यहाँ आप सी लिखेंगे, क्योंकि एक ही पैरामीटर है तो पैरेंथेसिस देना ज़रूरी नहीं है। देन फैट एरो, देन ओपनिंग कर ली, क्लोजिंग कर ली, और इसके बीच में रिटर्न सी और सेमी कॉलन, और यहाँ पर भी सेमी कॉलन। ठीक है, सो आप देखेंगे कि फंक्शन एक्सप्रेशन में इस कोड को लिखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। एनोनिमस फंक्शन में उससे थोड़ा कम हो जाता है और एरो फंक्शन में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी कोड को आप और छोटा कर सकते हैं एरो फंक्शन में ही। एरो फंक्शन में कहा गया है कि मैं यहाँ इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर देते हैं बिकॉज हमें सिर्फ यही देखना है। एरो फंक्शन में कहा गया है कि जब ये कोई एक्सप्रेशन यहाँ से रिटर्न हो रहा है तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको रिटर्न लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको ये ओपनिंग कर ली और क्लोजिंग कर ली लिखने की आवश्यकता नहीं। आप सिंपली सी लिख दीजिए, आपका ये ऑटोमेटिकली सी जो है रिटर्न हो जाएगा जहाँ भी आप इसको कॉल करेंगे। यानी कि अगर हम लोग इस चीज़ को, मैं इसका नाम चेंज करके माई फन एन कर देता हूँ, अगर हम लोग इसको कॉल करें माई फन एन, और इसमें हम लोग सी को एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, मान लीजिए 10 दे दिया मैंने, और इसको सेव करके अगर अभी आप रन करेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बिकॉज आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसको क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको इसके अंदर, बाकी किसी भी फंक्शन को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, बाकी यहाँ से यहाँ तक का कोई फंक्शन कॉल नहीं, सिर्फ ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो सिंटेक्स है ये बिल्कुल सही है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको 10 यहाँ दिखाई देगा, कोई भी एरर नहीं। इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये रन करता है,
ये कहता है कि इस फंक्शन को कॉल करना है माई फन एन को, तो माई फन एन यहाँ से ये कॉल होता है सी के पास जाता है 10, और सी रिटर्न हो जाता है जहाँ इसको कॉल किया गया वहाँ, और आपको स्क्रीन पर डॉगन डॉट राइट की वजह से 10 दिखाई देता है। तो ये सिंपल सा कोड है जो कि इससे भी छोटा है और आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, जब आप इस तरीके से शॉर्टर वर्सन यानी कि एरो फंक्शन के इस वर्सन से भी छोटा इस वर्सन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहली बात कि जब आप सिर्फ सी लिखते हैं तो यहाँ आपको कर्ली नहीं लिखना है, यानी कि अगर आप ओपनिंग कर्ली और क्लोजिंग कर्ली लिख देते हैं, इसको सेव करें और इसको रिफ्रेश करें, तो आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा यहाँ, ठीक है। सो कर्ली आपको नहीं लिखना है। अगर आप कर्ली लिखना चाहते हैं तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करें तो आपको सही आउटपुट मिलेगा। सो ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरीके से सिर्फ सी लिखेंगे तो आपको ये रिटर्न मतलब रिटर्न के साथ अगर आपको सी नहीं लिखना है, इससे क्या होता है, देखिए ये जो कोड आप लिख रहे हैं यही इक्विवेलेंट है इस कोड के, सिर्फ सी अगर आप लिख देते हैं तो। ये पूरा कोड लिखें या फिर सिर्फ ये लिखें, दोनों ही इक्वल होता है, लेकिन सिर्फ इसके साथ आप कर्ली का ओपन नहीं कर्ली का यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसको मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ कुछ चीज़ें मैं लिख कर कमेंट में, उसको रहने दे जैसे है वैसे ही, थोड़ा सा इसको कमेंट करके मैं थोड़ा सा और इसको ये जो डेफिनेशंस हैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो कंडीशंस हैं उनको, ठीक है। अगर आप कोड कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वार माई फन एन इक्वल सी इक्वल एरो फैट एरो हम लोगों ने लिखा सी, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये आपका सही तरीके से काम करेगा, यानी कि ये वर्क करेगा, ये ऑटोमेटिकली सी को रिटर्न कर देता है। लेकिन अगर आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन अगर आप यहीं पर ओपनिंग कर ली और क्लोजिंग कर ली दे देते हैं तो ये आपका काम नहीं करेगा, वॉन्ट वर्क, ठीक है, ये काम आपका नहीं करेगा। इसका सिंटेक्स मतलब सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, बट ये अनडिफाइंड आपको वैल्यू मिलेगा। अगर आपको कर्ली का इस्तेमाल करना है, अगर आपको कर्ली का इस्तेमाल करना है तो उस केस में आपको यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इस तरीके से रिटर्न लिखिए, फिर आप कर्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपका सही तरीके से काम करेगा, ठीक है, क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैं दो पैरामीटर का आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि कभी आपको दो पैरामीटर लिखने की आवश्यकता पड़े तो आपका कन्फ्यूजन ना। देखिए इसी में यहाँ सिर्फ एक पैरामीटर है, मैं इसमें दो पैरामीटर लिखता हूँ। सी की जगह हम लोग कर देते हैं ए और बी, ए कॉमा बी, और जो कि दो पैरामीटर है इसीलिए हम लोग जानते हैं कि पैरेंथेसिस देना जरूरी है, पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड। अब मुझे ए प्लस बी चाहिए तो मैं यहाँ ए प्लस बी लिख देता हूँ, सिर्फ ए प्लस बी लिख देना है, ये ए प्लस बी करके और खुद रिटर्न कर देगा जहाँ इसको कॉल किया गया है। दो पैरामीटर है तो दो पैरामीटर के लिए दो आर्ग्यूमेंट आपको पास करना पड़ेगा। सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर 30 आंसर मिलेगा। अगर इसी ए प्लस बी को आप करली ओपनिंग करली और क्लोजिंग करली के बीच में लिख देंगे तो ये आपको अनडिफाइंड देगा, ठीक है। अगर आपको करली इस्तेमाल करना है तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इस तरीके से सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो आपको सही आउटपुट मिलेगा। ओके सो बस एरो फंक्शन में इतना ही है जो मेरे ध्यान में था, मैंने सब कुछ डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि एरो फंक्शन शॉर्टर वर्सन है एनोनिमस फंक्शन का, इसीलिए एनोनिमस फंक्शन में जो कॉन्सेप्ट आपने देखा है वही कॉन्सेप्ट आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एरो फंक्शन को आप किसी और फंक्शन में पास कर सकते हैं, एरो फंक्शन को किसी फंक्शन से आप रिटर्न ले सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोगों ने एनोनिमस फंक्शन में देखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ दोबारा उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक शॉर्ट नोट आपको बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ें एरो फंक्शन में आप लोगों ने देखी हैं, फॉर एग्जांपल पासिंग एनोनिमस फंक्शन, रिटर्निंग एनोनिमस फंक्शन, वो सारी चीज़ें आप एरो फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि एरो फंक्शन को भी किसी और फंक्शन में पास किया जा सकता है, एरो फंक्शन को आप किसी फंक्शन से रिटर्न ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एरो फंक्शन के साथ भी। जाते जाते एक छोटा सा कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा फंक्शन डिक्लेरेशन में और एरो फंक्शन में, जो कि अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है।
हम लोगों ने फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ इसको कंपेयर किया है, बट फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ नहीं किया। तो चलिए उसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि फंक्शन, सॉरी, एरो फंक्शन जो है कितना छोटा है। इसको पूरे घटा देते हैं। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है, यानी कि रेगुलर फंक्शन या फिर जनरल फंक्शन कह सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, होपफुली स्पेलिंग मैंने सही लिखा हो। ओके, हम लोग कैसे बनाते हैं डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन? फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने फंक्शन कीवर्ड। देन फंक्शन का नाम मान लीजिए सो लिखा मैंने, और ये हम लोग ए बी जो पैरामीटर है हमारा, देन इसको हम लोग रिटर्न लेना चाहें, यानी कि ए प्लस बी को, तो सिंपली हम लोग ए प्लस बी इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा रिटर्न हो जाता है जहाँ आप इसको कॉल करेंगे। जैसे कि मैं इसको कॉल करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ 10 और 20 लिखिए, और इसको आपको अगर डिस्प्ले करना है तो आप इस कोड को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में लिखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपनिंग पैरेंथेसिस देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हैं। ये सेमीकोलन यहाँ से हटा देना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लिखते हैं। अगर आप सेव करेंगे इसको, डॉक्यूमेंट सेव करें, और इसको सेव करके अगर हम लोग रिफ्रेश करें तो हमें आंसर यहाँ 30 मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। इसी सेम फंक्शन डिक्लेरेशन में जो आपने इतना कुछ लिखा हुआ, इसी को अगर आप एरो फंक्शन में लिखेंगे तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं। एरो फंक्शन के सबसे शॉर्टर वर्जन से मैं लिख रहा हूँ। सिंपल है, करना ये है कि एक तो वार आपको लिखना है अगर आप इसको कॉल करना चाहें। अगर सिर्फ डिक्लेरेशन की बात करें, एरो फंक्शन के डिक्लेरेशन की, असाइन करने की बात ना करें, तो देखिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी, सॉरी, दो पैरामीटर है तो दो पैरामीटर इस तरीके से, देन फैट एरो, देन ए प्लस बी। ये कोड इक्विवेलेंट है इस कोड के, समझ जाइए कि कितना छोटा आप लिखते हैं। ये पूरा कोड इक्विवेलेंट है इस कोड के। इसमें सिर्फ आपने लिखा है पैरामीटर और दोनों को प्लस कर देना, ना तो रिटर्न लिखना है आपको, क्योंकि ऑटोमेटिक इन दोनों को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा, और ना ही को फंक्शन कीवर्ड लिखना है, ना ही फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। तो देख, आप देख पाएंगे आसानी से कि ये है पूरा फंक्शन डिक्लेरेशन इतना बड़ा, और आपका एक्चुअली में ये यहाँ से यहाँ तक का कंपेरिजन है, और ये है आपका सिर्फ एक लाइन में। बेशक आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसको इसको कंपेयर करें तो आपको कम कोड लिखना पड़ता है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी रीडेबिलिटी जो है बहुत अच्छी नहीं, यानी कि नए लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ लिखा गया। इसलिए इसके ऊपर में आप कमेंट जरूर लिखें कि आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, जिससे कि किसी और प्रोग्रामर को, कोडर को पता चल सके, अगर इसको पता नहीं है तो, या फिर आपको खुद भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये आपने क्या लिखा, बिकॉज किसी यहाँ कहीं से पता नहीं चलता है कि ये कोई फंक्शन हो सकता है, ये हमें एक ऑपरेटर की तरह लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का। ओके गाइस, सो एरो फंक्शन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।